वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे केएल राहुल, कोच का सबसे बड़ा और सनसनीखेज बयान आया सामने। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड की, तो भैया ये जो आईपीएल 2024 का मंच होने वाला है वो बहुत से खिलाड़ियों के लिए अपना चयन करवाने का एक जरिया, एक माध्यम बनने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा कई बार इशारा दे चुके हैं कि जो दो तीन स्पॉटों की लड़ाई है वर्ल्ड कप टीम की, वो आईपीएल 2024 के जरिए तय होगी। उसमें जो सबसे बहुचर्चित स्पॉट है वो विकेट कीपर वाला स्पॉट है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपना जगह बनाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, काफी लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम विकेट कीपर स्लॉट पर जाएं तो वहां पर जो तीन बड़े नाम इस वक्त लड़ाई में हैं वो हैं केएल राहुल, पहले बड़े नाम। दूसरे बड़े नाम है जितेश शर्मा, जो हाल फिलहाल T20 टीम के सबसे प्रमुख विकेट कीपर हैं। और तीसरे बड़े नाम लड़ाई में आ चुके हैं फिट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उसके अलावा एक और चेहरा है, हालांकि हाल फिलहाल बीसीसीआई ने उनको दरकिनार कर रखा है, और अगर वो थोड़ी सी बदतमीजी नहीं किए होते, थोड़ी सी बगावत नहीं किए होते, तो वो सबसे प्रमुख विकल्प होते इस वक्त, पहले नंबर पे उनका नाम होता। आप भी समझ गए होंगे कि हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसकी किसके ओर इशारा कर रहे हैं। वो नाम है ईशान किशन का। तो उनको पूरी तरीके से आप बाहर मत करिएगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने इशारा दे दिया है कि हम जब भी टीम का चयन करते हैं या बीसीसीआई सेलेक्टर चयन करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि उनका हालिया प्रदर्शन कैसा है, वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर उनका हालिया प्रदर्शन शानदार है, जानदार है, और वो हमारे टीम के 15 सदस्यों के जो कॉम्बिनेशन है उसमें फिट बैठते हैं, तो फिर हम उनका चयन कर लेंगे, चाहे वो ईशान हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, या फिर कोई भी एक युवा खिलाड़ी हो, हमें उससे नहीं मतलब है। बस उनको क्राइटेरिया फिट करना चाहिए कि ये काम है, आपका बल्ला बोला है कि नहीं बोला है, आप रन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हमारा समीकरण क्या है, अगर आप उस समीकरण में फिट होते हैं तो चयन आपका हो जाएगा। तो ईशान किशन की तरफ भी इशारा राहुल द्रविड़ ने दे दिया है कि दरवाजे बंद नहीं हुए। तो चार बड़े दिग्गज सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं, वो है विकेट कीपिंग का स्लॉट। और केएल राहुल की बात करें गुरु, तो उसमें ये सबसे प्रमुख विकल्प इसलिए हो सकते हैं कि क्योंकि इनके पास अनुभव अपार है। अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए करामात कर देते हैं, अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपना जज्बा, अपना जोश, अपना जुनून दिखा देते हैं आईपीएल 2024 में, तो फिर इनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। ना वो ऋषभ पंत हो सकते हैं, ना वो जितेश शर्मा हो सकते हैं, ना वो ईशान किशन हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव अपार है, इनके पास क्लास बहुत ही बेहतर है। बस इनको अपने आप को प्रूफ करना है कि ये अच्छे स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट में खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, और विकेट कीपिंग स्किल इनकी अच्छी हो गई है। ये सब अगर क्राइटेरिया आईपीएल 2024 में केएल राहुल पार कर लेते हैं, खरे उतर जाते हैं इन सभी बातों पर, तो उनका चयन सबसे पहले नंबर पर होने वाला है। और इसी बात की पुष्टि उनके कोच जस्टिन लैंगर ने की है। आपको बताते चले कि आईपीएल 2024 के लिए नए कोच का लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऐलान किया हुआ है, वह हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। तो उसके बाद जस्टिन लैंगर ने जब से कमान थामी है लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो सबको यह लग रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा इस बार होने वाला है। काफी स्ट्रिक्ट कोच माने जाते हैं, डिसिप्लिन इनके लिए प्राथमिकता होती है, बड़े बड़े फैसले ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ले चुके हैं, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी करामात कर सकते हैं। और जो पहला बड़ा बयान इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में प्रदर्शन करके, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जोरदार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके केएल राहुल अपना जगह भारतीय वर्ल्ड कप की टीम में सुनिश्चित कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मध्य क्रम में इस बार केएल राहुल खेलने वाले हैं, आपको सूचित कर दें हम, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शायद शुरुआती मुकाबलों में ना खेलें, क्योंकि एनसीए की जो फिटनेस रिपोर्ट आई है केएल राहुल की, उसमें उनको सुझाव दिया गया है कि शुरुआती मुकाबले में आपको विकेट कीपिंग करने से अवॉइड करना है, तो वो शुरुआती मुकाबले में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन मध्य क्रम में खेलेंगे, क्योंकि इनको अपना स्लॉट मिडिल ऑर्डर में फिक्स कराना है वर्ल्ड कप में। और ये एलएसजी के समीकरण के हिसाब से बात करें तो अच्छी खबर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास स्पिन का अच्छा बल्लेबाज नहीं मौजूद था। पिछले साल में
जिसके कारण कई जीते हुए मुकाबले लखनऊ हारी थी। इस बार मिडिल ऑर्डर में लखनऊ के कप्तान शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको पता है कि केएल राहुल से बेहतर स्पिन का बल्लेबाज आपको इस वक्त विश्व क्रिकेट में नहीं मिलेगा। बहुत ही इनका शानदार औसत रहता है, स्पिन के खिलाफ अच्छे स्ट्राइक से खेल सकते हैं, और इस बार राहुल को जो ध्यान देना है वो अपने स्ट्राइकिंग एबिलिटी पर ध्यान देना है। अगर ये अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी सुधार लेते हैं, क्षमता है, लेकिन थोड़ा सा कप्तानी का दबाव इनके ऊपर रहता है एलएसजी में। शायद उस दबाव से विमुक्त होकर अगर राहुल खेल गए तो फिर वर्ल्ड कप की टीम में इनका सबसे ऊपर नाम होने वाला है बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, और राहुल को ये अपनी काबिलियत आईपीएल 2024 के मंच पर दिखानी है। और उनके कोच काफी आश्वस्त लग रहे हैं कि राहुल बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे एलएसजी की तरफ से, और वो अपना चयन वर्ल्ड कप की टीम में कराने वाले। वहीं उन्होंने दूसरा नाम भी बताया, वो है रवि बिश्नोई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दो भारत के दिग्गज हैं ये एलएसजी टीम को बहुत ही बेहतर बनाते हैं, और ये दोनों आप देखोगे कि आईपीएल 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं, और इसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पे वो भारत के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बनाएंगे 15 सदस्यीय टीम में, और ये बहुत ही अनमोल रत्न है, चाहे एलएसजी की बात कर लें चाहे भारतीय टीम की बात कर लें। जस्टिन लैंगर ने हुंकार भर दी है किसके बदौलत, केएल राहुल और रवि बिश्नोई की बदौलत। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पहला संस्करण है इनका बतौर कोच एलएसजी के लिए कैसा जाता है, राहुल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं, कब से विकेट कीपिंग स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा रवि बिश्नोई के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें होंगी, खासकर बीसीसीआई सेलेक्टरों की, क्योंकि कुलदीप वर्सेज रवि बिश्नोई बना हुआ है गुरु, ये बना हुआ है कि कौन भारतीय टीम का प्रमुख स्पिनर होने वाला है। हाल फिलहाल रवि बिश्नोई ने आईसीसी की नंबर वन रैंकिंग गेंदबाजों में हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जब से कुलदीप आए टी20 समीकरण में वो नंबर वन स्पिनर हो गए, ये अपना नंबर वन जो गेंदबाज था वो दूसरे स्पॉट पे आ गया। दिलचस्प रहेगा ये आईपीएल 2024 में जो लड़ाई है स्पिन गेंदबाजों की विकेट कीपर स्लॉट की, कि कौन जगह बनाता है और किसके हाथों निराशा लगती है। टैलेंट तो सब में है, लेकिन फॉर्म किसके पास हालिया रहेगा उसी का चयन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या राहुल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, रवि बिश्नोई बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आपके आने चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।